नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसू। जो अपराधी जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पर सुकून से बैठे हों, अब है सावधान हो जाएं, क्योंकि पुलिस आपके घर कभी भी दस्तक दे सकती है। छतरपुर पुलिस द्वारा इन दिनों एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अपराधियों के घर घर जाकर उनका बायोडाटा लिया जा रहा है। जो पूर्व में गंभीर अपराधों में जो आरोपी लिप्त थे, उनके घर पर छतरपुर पुलिस जा रही है और उनसे पूछताछ कर रही है एवं उनके परिजनों से मिल रही है और बॉन्ड भरवा रही है कि ये आरोपी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अब किसी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में तो नहीं है, इनका मिलना जुलना, उठना बैठना, रहना खाना पीना कैसा है, किन लोगों के साथ है, ये पूरी जानकारी छतरपुर पुलिस ले रही है। एएसपी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक टीम बनाई गई है जो लगातार सर्चिंग में रहेगी, लगातार पूछताछ करती रहेगी कि जो आरोपी जेल से गंभीर अपराधों में रिहा हुए हैं, अब है क्या कर रहे हैं। आज एसपी सर के निर्देशन में पूरे शहर में जो पुराने प्रॉपर्टी ऑफेंडर थे, जिनकी अभी जेल से रिहाई हुई है कुछ दिनों पूर्व या कुछ महीनों पूर्व, जिसमें डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी, इनके जो आरोपी थे, इनके ड्रॉजियर फिलअप कराए जा रहे हैं और ड्रॉजियर में अपडेटेड जानकारी की जा रही है। लगभग मोर देन 200 है। इसमें टीम बनाई गई थी, 3 जीओस लगे हुए थे और साथ में उनको थाना प्रभारी और अदर ऑफिसर्स थे और घर घर जाके काफ़ी विस्तृत जानकारी ड्रॉजर में फिलअप की गई है। इनका तो तीनों थाने जो हमारे शहर के हैं, कोतवाली, ओरछा रोड या सिविल लाइन में, यहाँ पे टीम बनाई गई, 3 राजपत्रित अधिकारी लगाए गए थे और साथ में उनको टीम में अन्य थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारी अधिकारी थे और एक एक घर के जा कर के उनका फैमिली प्रोफाइल बनाना, उनकी प्रोफाइलिंग करना और पूरी अपडेटेड जानकारी फिलअप की गई। हाँ, कंटिन्यू निगरानी रहेगी। हमारा मेन पर्पस यही है कि हर एक आदमी हमारे ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, उसकी सारी एक्टिविटी और जेल से छोड़ने के बाद वर्तमान में उसकी क्या गतिविधियाँ हैं और किस तरह के लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है और उसके साथीदारान कौन है, सभी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं।